तिरुपति बालाजी के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच गए। और ये तस्वीरें, ताजा तस्वीर आपके सामने, पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहुंचे और श्री वेंकटेश्वर मंदिर में विधि विधान से भगवान बालाजी का दर्शन और पूजन प्रधानमंत्री ने किया है। और आप देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आंध्र प्रदेश की, और भगवान श्री वेंकटेश्वर मंदिर में विधि विधान से भगवान बालाजी का दर्शन और पूजन किया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तिरुमला की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं बालाजी के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये बेहद ही खास तस्वीरें, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर का दौरा करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर के दर पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। यहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भगवान बालाजी का दर्शन और उन्होंने पूजन भी किया है, जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। और ये जो मंदिर परिसर है, तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर, इसमें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। और जिस तरह का दक्षिण का परिधान होता है, उसी परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तेलंगाना का चुनावी प्रचार आखिरी दौर में है और इसी के तहत आज महत्वपूर्ण दिन, आज चुनावी रैलियां भी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी है। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी, इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था बहुत मुस्तैद की गई है। इसके अलावा मंदिर के बाहर, बालाजी मंदिर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर। दो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर जो पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो तस्वीरें आ चुकी हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको इतिहास में भी लेकर चलते हैं। कुछ तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 2015 में भी प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आए थे, उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। 2017 में भी प्रधानमंत्री ने दौरा किया था, उस वक्त भी भारी भीड़ देखने को मिली थी। और 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया, उस वक्त भी एक विशेष परिधान के परिधान में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। और आज भी एक विशेष दिन, जब बालाजी के दर पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं तिरुपति बालाजी। और यहाँ मंदिर परिसर से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप ठीक बीच में देख रहे हैं, मंदिर परिसर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज प्रधानमंत्री का बताया जा रहा है कि रोड शो भी है हैदराबाद में, उस रोड शो को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए ये तस्वीर देखिए, तमाम पंडित खड़े हुए हैं जो कि मंत्रोच्चार कर रहे हैं और विशेष पूजा होती है बालाजी मंदिर में। इस विशेष पूजा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस तस्वीर में दिख रहे हैं। तो आप तस्वीरें देखिए, तिरुपति बालाजी मंदिर की तस्वीरें है, जहां पर तिरुपति बालाजी के दरबार पर, उनके दर पर ये देखिए माथा टेकते हुए, आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह आपको बताना चाहेंगे क्योंकि अब अगला जो मतदान है वो तेलंगाना में भी होने वाला है। इससे पहले आंध्र प्रदेश का ये दौरा, आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ बेहद ही खास ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कैसे प्रधानमंत्री ने अपना शीश झुकाया, आशीर्वाद लिया। और ये कब का, बालाजी के दर पर प्रधानमंत्री पहुंचे, 2015, 2017, 2019, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जब जब प्रधानमंत्री तिरुमला के दौरे पर गए। और इसके साथ ही वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने बालाजी का आशीर्वाद लिया। यह आपको बता दें कि तिरुमला दौरे के तुरंत बाद एक बार फिर से तेलंगाना के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री ने तिरुमला का ये दौरा किया है, वहां पर पहुंचे हुए हैं, बालाजी भगवान का आशीर्वाद लिया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तिरुमला की। और बता दें कि आपको भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं तिरुपति बालाजी, आंध्र के चित्तूर में तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है बेहद ही खास मंदिर। और करोड़ों लोगों की आस्था इस मंदिर में है, भगवान बालाजी पे है। और ये तस्वीरें आप जरा देखिए, तस्वीरें बेहद खास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाजी के दरबार की तरफ बढ़ते हुए। और दूसरी तस्वीर, जब उन्होंने भगवान के सामने अपना शीश झुकाया, आशीर्वाद लिया, उनके दर पर पहुंचे। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का 25, 26 और फिर अब 27 नवंबर को
तेलंगाना में। इससे पहले भी 25 और 26 तारीख को उनका लगातार तेलंगाना में दौरा रहा, चुनावी प्रचार का कार्यक्रम रहा और आज यानी 27 तारीख को भी वो तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन इससे पहले वो आंध्र प्रदेश पहुंचे तिरुमला मंदिर और वहां पर कैसे उन्होंने आशीर्वाद लिया है ये तस्वीरें बेहद खास। और जैसा हमने आपको बताया, यहां से एक बार फिर से वो तेलंगाना अपने चुनावी कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाएंगे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, तिरुपति बालाजी परिसर से तस्वीरें। देवस्थानम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और जो ये परिसर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बहुत खास तस्वीरें हैं जो सीधे तिरुमाला से सामने आ रही है। तिरुमाला मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी को आप देख पा रहे हैं। उनका वैसे तो कई बार इतिहास में दौरा हो चुका है, लेकिन 2023 का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है, इसके बाद तेलंगाना में जाएंगे। कल शाम ही प्रधानमंत्री पहुंच गए थे तिरुपति एयरपोर्ट पर, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया गया, जहां पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एस जगन मोहन रेड्डी भी मौजूद थे और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी मौजूद थे। और आज उनका महत्वपूर्ण दौरा तेलंगाना में भी होना है, चुनावी सभा होनी है, रैलियां होनी है, रोड शो होना है। उससे पहले तिरुपति बालाजी के दर पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया है तिरुपति बालाजी मंदिर में और एक बार फिर से ये तस्वीरें आ रही है। अब आगे का क्या कार्यक्रम है? ये आगे कार्यक्रम लगभग आपको बता दें, पूरे 12 घंटे तक प्रधानमंत्री हैदराबाद में ही रहेंगे, पूरे तेलंगाना में ही उनका पूरा कार्यक्रम लगा हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने अभी तिरुपति बालाजी में पूजा की, उन्होंने आशीर्वाद दिया। लगभग मंदिर परिसर में उनका 40 से 45 मिनट तक रुकने का कार्यक्रम है और उसके बाद उनकी जो पहली पब्लिक मीटिंग है, पहली रैली है जो उनकी है, वो 12:45 महबूदाबाद में वो रैली करेंगे। उसका जो करीमनगर जाएंगे जहाँ 2:45 उनकी रैली है और फिर हैदराबाद में ही उनका एक शाम को 5 बजे रोड शो रखा गया है। रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री कोशिश है कि हैदराबाद के लोगों तक पहुंच जाए और लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सके। और उसके बाद आज लगभग 7:30 शाम को प्रधानमंत्री वहां पर एक गुरुद्वारा है, अमीर पेट गुरुद्वारा है, वहां भी जाएंगे क्योंकि आज प्रकाश उत्सव पर्व है, तो वहां भी प्रधानमंत्री जाके बता सकेंगे। और फिर शाम को लगभग 8 बजे प्रधानमंत्री जो है कोटी दीपोत्सव, आज देव दीपावली है, इसको लेकर जो वहाँ आयोजन है उससे वो अटेंड करेंगे। उससे देखिए आनंद, इसके अलावा ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि 2015, 2017, 2019 यानी कि आज से पहले भी 3 बार प्रधानमंत्री तिरुपति बालाजी के दरबार में जा चुके हैं और ये बतलाता है कि प्रधानमंत्री की तिरुपति बालाजी में कितनी गहरी आस्था है। और जानकारी है जैसा आप भी बता रहे कि इसके बाद फिर सीधा रुख करेंगे तेलंगाना का, जहां पर उनकी चुनावी सभा और चुनावी कार्यक्रम। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री कितना खास हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आशीर्वाद लेने पहुंचे प्रधानमंत्री चुनावी कार्यक्रम से ठीक पहले। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री और जो भी बीजेपी के बड़े नेता होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि अगर कहीं कहीं सभा लगी हुई है या कहीं रोड शो है तो आसपास के जो अगर प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो सिद्ध पीठ है, वहाँ पे जरूर जाए, वहाँ पे आशीर्वाद लें और दर्शन करें। और उसी के तहत प्रधानमंत्री आज तिरुपति पहुंचे हैं, वहाँ पर उन्होंने पूजन किया है और लगभग जैसा कि मैंने बताया कि 40 से 45 मिनट तक प्रधानमंत्री रहेंगे। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जो है जो भी नेता होते हैं वो जाते हैं और देश के लिए समाज के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन एक कोशिश ये भी होगी प्रधानमंत्री को कहीं ये भी होगा कि तेलंगाना में भी कमल खिले और उसको लेकर भी उनको आशीर्वाद मिले। बीजेपी कार्यकर्ता जो लगातार वहां पर मेहनत कर रहे हैं उनको आशीर्वाद मिले तिरुपति बालाजी का, बीजेपी वहां पर सत्ता में आने की कोशिश करे और सत्ता में आने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यही वजह है प्रधानमंत्री का पूरा दिन है लगभग 12 घंटे, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक पूरे दिन प्रधानमंत्री तेलंगाना में है। उनका पूरा पैक टू पैक, बैक टू बैक पूरा कार्यक्रम, पूरा पैक्ड कार्यक्रम है। और इसमें एक जब आप देखेंगे जहाँ इस प्रधानमंत्री मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो जनता के बीच भी जा रहे हैं। बिल्कुल, 12 घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का ऐसा है कि जनता का भी आशीर्वाद चाहेंगे, साथ ही साथ जो देवता है, जो भगवान है, उनका भी आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, भगवान का भी आशीर्वाद लेने के लिए भगवान के दर पर पहुंचे हैं और जनता का आशीर्वाद के लिए चुनावी माहौल है आनंद। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री का इस तरह का जेस्चर सामने आता है, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, मायने भी कई निकाले जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसका राजनीतिक असर भी है? देखिए, जाहिर तौर पर राजनीतिक असर ही है क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर सिर्फ दर्शन के लिए ले गए। प्रधानमंत्री का ऐसा दौरा 3 दिन का था और उस दौरे के दौरान ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रखा गया तिरुपति बालाजी में। जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री अमित शाह जो बीजेपी के बड़े नेता होते हैं, दौरे में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो आसपास के जो सिद्ध पीठ है या फिर जो बड़े मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं।
एक मैसेजिंग भी होती है कि जो आपका जो कोर वोट बैंक है, कोर वोटर्स उनको एक मैसेज भी दिया जाता है, खासकर जो हिंदू का जो वोटर्स हैं, जो हिंदू वोटर्स उनके मैसेज भी देने की कोशिश की जाती है। हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद की कई सीटें ऐसी हैं जो जहाँ पर मुस्लिम बहुतायत में मुस्लिम वोटर्स वहाँ पे नफा नुकसान और जीत हार तय करते हैं, लेकिन ऐसे में अगर पोलराइज होता है, अगर ऐसे में मंदिर जाने से अगर हिंदू वोटर्स से पैसे जाता है तो उससे भी परहेज बीजेपी या बीजेपी के बड़े नेता नहीं करते। तो जाहिर तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश है, उन वोटरों को मंदिर जाकर प्रधानमंत्री देना चाहते हैं जो हैदराबाद से, खासतौर से तेलंगाना के जो वोटर्स है उनको। अच्छा आनंद, जैसा आप बता रहे हैं कि कुल मिलाकर 40 से 45 मिनट का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, प्रधानमंत्री जब मौजूद रहेंगे तिरुपति बालाजी में, तो अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं देवस्थानम की भी, वहां पर कैसे अपना सिर झुकाया है, और क्या अभी अगर इस जगह की बात करें, तिरुपति की बात की जाए, तो अभी यहाँ का पूरा कार्यक्रम क्या? देखिए, इस जगह को लेकर बड़ी आस्था है और जब भी आसपास प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं और तिरुपति बालाजी का मंदिर के पास मिलता है, जरूर पहुंचते हैं, वहां पर दर्शन करते हैं। और खासतौर से इस जगह पे इसकी बड़ी मान्यता है, और सिर्फ यहाँ पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की बड़ी मान्यता है तिरुपति बालाजी में। और ऐसे में प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुंच के जब दर्शन कर रहे हैं, लगभग 40 से 45 मिनट तक वहाँ रहेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। आस्था की तरफ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का, कल आपको याद होगा कल प्रधानमंत्री का रोड शो भी हुआ था तिरुपति में, उसमें जिस तरह से भीड़ जुटी थी, प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही थी और प्रधानमंत्री का जो काफिला गुजर रहा था, सड़क के दोनों तरफ तिरुपति के लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री को हाथ मिला रहे थे, प्रधानमंत्री को हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे और एक अपार जनसमूह उमड़ा था उस रोड शो में। और ऐसे में इस जगह की खास मान्यता है, और जिस तरह से जनता ने प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री कहे कि भगवान बालाजी का, भगवान तिरुपति का भी आशीर्वाद लें और जिस मिशन पे वो निकले हैं उस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया जाए। आनंद, ये एक चुनावी बेल्ट है, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, चुनाव तेलंगाना में है लेकिन आंध्र प्रदेश में भव्य स्वागत हुआ है। और जो हैदराबाद है जिसे कॉमन राजधानी कहा जाता है, वो हैदराबाद का एक हिस्सा तेलंगाना और एक हिस्सा आंध्र प्रदेश में, ये बहुत बड़ा समीकरण है चुनावों को लेकर। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने चुना कि सुबह सुबह बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अब वो हैदराबाद में जाकर रोड शो करेंगे तेलंगाना के। जी बिल्कुल, और सबसे पहला जो कार्यक्रम पीएम का भी आज का चुनावी कार्यक्रम है वो महबूबाबाद में है, जो 12:45 पे है कि प्रधानमंत्री करीम नगर जाएंगे और फिर शाम को 5 बजे वो रोड शो करेंगे। रोड शो की खासियत यह है कि प्रधानमंत्री, आप ध्यान होगा कि 5 राज्यों के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की जो भी रैलियां होती है, तो प्रधानमंत्री का जो काफिला होता है रैली ग्राउंड के अंदर ऐसे मूवमेंट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सके, उनका 1-to-1 कॉन्टैक्ट हो सके, उसके बाद फिर वो स्टेज पे जाते हैं। तो रोड शो का मकसद यही है, ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री रोड शो इसलिए करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनको करीब से देख सके, उनसे मिल सके, उनसे हाथ मिला सके और पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट प्रधानमंत्री से बन सके। और यही वजह है कि शाम को ये कार्यक्रम रखा गया प्रधानमंत्री का रोड शो का। कल शाम को तिरुपति का कार्यक्रम था उनका रोड शो का, और आज शाम को हैदराबाद प्रधानमंत्री का रोड शो का कार्यक्रम है। और खास बात यह है कि हैदराबाद की जो बेल्ट है उसमें पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने सिर्फ पूरे तेलंगाना में एक सीट जीती थी, और अभी पूरा अगर हम ग्रेटर हैदराबाद की बात करें तो बीजेपी के पास सिर्फ एक ही सीट है जो टी राजा की है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है, प्रधानमंत्री की कोशिश है कि हैदराबाद के जो वोटर्स हैं उनको एक मैसेज दिया जाए और उनको एक भरोसा दिया जाए कि जब देश का प्रधानमंत्री आपके बीच आ रहा है, अगर केंद्र में आपकी बीजेपी की सरकार है तो आप स्टेट में बीजेपी की सरकार बनाइए। और यही वजह है कि पूरी ताकत प्रधानमंत्री बीजेपी से है, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, पूरी पार्टी ने तेलंगाना में जोड़ दिया। तो बड़ी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं हमें आनंद प्रकाश पांडे, वहीं से जुड़े हुए हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो बालाजी मंदिर है वहां पर देवस्थानम पहुंचे, मंदिर परिसर में इस वक्त हैं, 45 मिनट का समय प्रधानमंत्री मोदी इसी परिसर में गुजारेंगे और उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम की तरफ प्रस्थान होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताई हमें आनंद ने वो है हैदराबाद का वो रोड शो, जहाँ पर आज शाम को वो रोड शो होना है जिसका इंतजार भी वहाँ की जनता कर रही है।